जो हमारे हिंदी के टीचर है रविंदर सर, सर वो माँ बहन पे गालियाँ देते, कौन सर कौन ऐसी बात है, कौन सहन कर सकता है सर। हम मानते हैं, हम टीचर्स को अपना मतलब माँ बाप मानते हैं, हम यहाँ पे हॉस्टल्स में रह रहे हैं, वो किसकी किसकी जिम्मेवारी है, टीचर्स की जिम्मेवारी है सर। वो माँ बहन पे गाली दे रहे हैं सर, हमारे सर सोच रहा हूँ हमारे पे क्या बीतरी होगी सर। फिर सर ऐसे ही थोड़ा हमें सर, हम भी इंट्रेंस क्वालिफाई करके आए हैं सर इधर, हम ऐसे नहीं आए सर। सर आप प्रिंसिपल सर को बोलते रहे, लेकिन प्रिंसिपल सर वो दबा देते हैं वहाँ कि आगे से अभी हम सॉरी कर जाओ। अभी अभी सर अभी वो टीचर्स इधर आए थे सर, अभी वो टीचर्स इधर आए थे सर, उस साइड भाग गए सर, वो दोनों उस साइड भाग गए। ये मेरा स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय उधमपुर रख जगानू, यहाँ पे बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन है, ना यहाँ पे कोई पढ़ाया जा रहा है, ना खाने को कुछ अच्छा देते हैं, बिल्कुल बेकार सी सब्जी रोटी देते हैं इधर। तो उनको कुछ बोलो, प्रिंसिपल को जाके बोलो तो सीधा घर पे फोन करता है, बोलता है आपके बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, बजट इज लो, ये सब चल रहा है यहाँ पे बस, बाकी कुछ नहीं। हम उसी बारे में प्रोटेस्ट करने आए, हमने डीसी मैम से बात करनी थी, वो भी यहाँ पे नहीं आए, जे एंड वी समिति का तो कोई भी नहीं आया। हम डेली इनको बोलते हैं टीचर चाहिए सर, ये 15 दिन के लिए टीचर मंगवाते, सर अभी टीजीटी पीजीटी मैथ आया था 15 दिन बाद चेंज हुआ, पीजीटी अकाउंट्स आए थे वो 15 दिन बाद चेंज हुए सर, पीजीटी आर्ट्स सर पूरे सर 2 महीने बाद आ रहे हैं, पीजीटी सर बिजनेस तो है ही नहीं सर स्कूल में, पीजीटी बिजनेस सर कोई टीचर ही नहीं है सर, इंग्लिश के टीचर है सर गालियां देते हैं सर, हिंदी के टीचर है सर गालियां देते हैं सर, हमें पेरेंट्स पे गालियां देते हैं सर, माँ बहन पे सर। 1.5 महीना पहले या 1 महीना पहले 250+ बच्चा फूड पॉइजनिंग की वजह से घर गया, और सर बच्चा सर बीमार हुआ, बच्चे को सर वहाँ से रेस्ट मिला 20 दिन का, सर बच्चे घर पे रुके सर, एनवीएस ने सर इन्होंने सर हमें फोन क्या बोला पेरेंट्स को फोन करके कि 10 दिन के अंदर जो बच्चा वापस नहीं आया उसका नाम वो दे विद्यालय पे आपको खाना नहीं मिलता, जो मेन्यू वहाँ पे सर मेन्यू पे सर जो पहले मेन्यू था सर मीटिंग करके चेंज किया गया सर, और हमने इनको कल परसों बोला जाके हमने मीटिंग लेनी है, इन्होंने क्या बोला प्रिंसिपल हम है मीटिंग हम लेंगे, जो हमारे सीए सर है आदित्य सर वो यूपी से है, वो हमेशा पान प्राक खाते हुए खाना बनवाते हैं, पिछली बार स्ट्राइक हुई सर सुधांशु भैया ने स्ट्राइक की सर पूरी क्लास ने सर, सुधांशु भैया सस्पेंड हुए सर, उनके घर से बुलाया गया। मेरा नाम कुलभूषण सिंह है, मैं यहाँ जेएनबी जगानू में इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ, और मुझे हार्डली 7 मंथ्स ही हुए हैं चार्ज लिए हुए, और इनकी डिमांड ये है कि टीचर्स नहीं हैं, स्कूल रीओपनिंग के बाद टीचर्स नहीं थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में जुलाई के बाद टीचर्स आते हैं, और जितने आने थे ट्रांसफ़र्स होनी थी वो हो गए हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स के लिए प्रोसेस स्टार्ट की, और फर्स्ट राउंड का जो कॉन्ट्रेक्ट अपॉइंटमेंट्स थी उसमें टीचर्स जो थे जहाँ जहाँ वैकेंसीज थी दिए, लेकिन हमारे स्कूल में कुछ टीचर्स नहीं आ पाए, क्यों पैनल ख़त्म हो गया, और जिन को जहाँ भेजा उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया आने के लिए, टफ स्टेशन की वजह से। मान लो एक लड़की थी निधि चौधरी, हरियाणा से थी, और उसने रिफ्यूज़ इसलिए कर दिया कि उसके हस्बैंड आर्मी में हैं और वो लो नहीं कर रहे हैं, उसके बाद पैनल ख़त्म हो गया। सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस हमारी जो है 23 सितंबर को हुई है। वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।